नाउ टुडे लेट्स स्टार्ट विद चैप्टर नंबर 3, वर्किंग ऑफ अ कंप्यूटर. इन दिस चैप्टर विल स्टडी अबाउट कंप्यूटर और कंप्यूटर कैसे वर्क करता है. देखो, आपको पता है कि कंप्यूटर क्या है. कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है. इट्स कैन नॉट वर्क ऑन इट्स ओन. ये अपने आप काम नहीं कर सकता. ठीक है, हमें क्या करना होता है, इसे इंस्ट्रक्शन देने होते हैं काम. नाउ कंप्यूटर कैन नॉट वर्क ऑन इट्स ओन. वी नीड टू एंटर लेटर नंबर्स एंड इंस्ट्रक्शन इन टू द कंप्यूटर. आपको क्या करना पड़ेगा, लेटर्स नंबर्स या फिर इंस्ट्रक्शन देने पड़ेंगे कंप्यूटर्स को काम करने. ऑल दीज आर कॉल्ड डाटा. डिफरेंट पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर डू डिफरेंट टास्क. और जो डिफरेंट पार्ट्स है कंप्यूटर के, वो अलग अलग टास्क करते हैं. अब हम बात करेंगे वर्किंग ऑफ कंप्यूटर. इसमें हम IPO साइकिल के बारे में पढ़ेंगे. IPO साइकिल क्या है, इनपुट प्रोसेस और आउटपुट. नाउ वर्किंग अ कंप्यूटर वर्क ऑन 3 बेसिक स्टेप्स. क्या क्या है आपका, इनपुट प्रोसेस करोगे और फिर आपको क्या देगा, आउटपुट देगा. दिस होल प्रोसेस इज नोन एज इनपुट प्रोसेस आउटपुट साइकिल, जिसे हम IPO साइकिल कहते हैं. टू अंडरस्टैंड दिस साइकिल लेट अस स्टडी द फॉलोइंग. यहाँ पे देखो कुछ एग्जाम्पल दिए. देखो आप फ्रूट्स है, फ्रूट्स आपने मिक्सर में डाली, ग्राइंड करे, मिक्स करे, तो उसने क्या बनाया, फ्रूट्स बनाया. लुक एट वन मोर एग्जाम्पल ऑफ IPO साइकिल. आपने कॉर्न लिए, उनको हीटिंग करी, प्रोसेस हुआ, फिर उसके पॉपकॉर्न बने, आउटपुट मिला. ठीक है, वो क्या हो गया आपका, आउट. नाउ क्रिएटिव टाइम फाउंड आउट वॉट इज इनपुट एंड प्रोसेस एंड आउट. आपको बता रहे हैं क्या इनपुट है, क्या प्रोसेस है और क्या आउट. नेक्स्ट इज वर्किंग ऑफ IPO साइकिल. Now, let's learn how IPO cycle works in a computer. Manav wants to add 10 and 15. He opens a calculator on his computer and click on the button 10 plus 5. भाई उसको मानव को क्या करना है, 10 और 15 को ऐड करना. उसने सिंपली क्या करा, कैलकुलेटर खोला कंप्यूटर का और 10 प्लस 15 का. ठीक है, उसके बाद इनपुट द डाटा एंड द इंस्ट्रक्शन दैट वी एंटर इन टू द कंप्यूटर स्क्वायर इनपुट. जो भी डाटा और इंस्ट्रक्शन हमने कंप्यूटर को दिए, कंप्यूटर में इनपुट एंटर करें, वो क्या हो गया उसका इनपुट. विद इनपुट डाटा यूजिंग कीबोर्ड एंड माउस. हमने डाटा को लिखो क्या क्या यूज करके, कीबोर्ड और माउस. डाटा जैसे कि 10, 15 और इंस्ट्रक्शन जैसे कि प्लस और इज इक्वल्स टू, ये एक इनपुट हो गया. उसके बाद आपने डाटा को प्रोसेस करा. वर्किंग ऑन डाटा इज कॉल्ड प्रोसेसिंग. जैसे CPU वर्क करता है डाटा पे और सारे कैलकुलेशन या जितने भी थिंकिंग है कौन करता है, CPU पर. द कंप्यूटर फाइनली गिव्स सम एज 25. अब कंप्यूटर ने हमें सम दिया 25 और वो जो फाइनल इंफॉर्मेशन है, जो हमें सम मिला है 25, वो क्या हो गया आपका, आउटपुट. ठीक है, द मॉनिटर आउटपुट डिवाइस शोज द आउटपुट. फिर आपको जो मॉनिटर है वो आपके आउटपुट डिवाइस है, वो आपको आउटपुट दिखाएगा क्या, 25. तो 15 प्लस इक्वल्स टू क्या है आपके इनपुट. प्रोसेस करा तो 10 प्लस 5 इज इक्वल्स टू और आउटपुट क्या मिला, 25. इट्स क्रिएटिव थिंकिंग. आपको जैसे बताना है क्लासिफाई द फॉलोइंग एज इनपुट और आउटपुट. अ पेपर कमिंग आउट ऑफ प्रिंट, वो इनपुट है या आउटपुट है. डिश प्रिपेयर्ड बाय अ शेफ, या वो आउटपुट है. अ मेन टाइपिंग ऑन कीबोर्ड, ये क्या है, इनपुट. ऐसे आपको ये बताना है. इन दिस चैप्टर वी हैव स्टडीड अबाउट IPO साइकिल. कैसे आप इनपुट करेंगे, फिर प्रोसेस करेंगे और वो आपको आउटपुट देगा. Hope you understood the chapter. That's all for today. Thank you.